हेलो गाइस, वेलकम टू मम्मीज किचन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ चिकन और मेथी की भाजी, सिंपल सी रेसिपी। चलो फिर देखते हैं कैसी बनती है चिकन की रेसिपी मेथी की भाजी के साथ। ये मेथी की भाजी है, आधी गड्डी लिया है और ये आधा किलो चिकन है और एक कोतम्बीर मिर्ची है, अदरक लहसुन है, लहसुन थोड़ा सा ये ले लेना 10-12 कली, कांदा है बड़ा दो और एक टमाटर है बड़ा, ये तेज पत्ता है और ये चिकन मसाला और ये जीरा है, ये हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला, तो नमक है। इनको मैं मिक्सर में थोड़ा सा ठेसा बना लेती हूँ, इसकी चटनी जैसा बना लेना है। इन चारों को थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और ये थोड़ी सी कोतम्बीर मैं रखती हूँ। चलो अभी गैस चालू कर दिया है मैंने, ये चढ़ा दिया है लगनी। मैं चटनी पीसने चले गई थी वहाँ पे, ये गैस पे गरम होने रख कर चटनी बना दिया है मैंने ठेसा। ऑयल डाल रही हूँ, 3 चम्मच ऑयल डालती हूँ, आपके हिसाब से आप डाल लेना, मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। थोड़ा गर्म होने देते हैं तेल को। जीरा डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा तेज पत्ता भी डाल दिया है इसमें। कांदा डाल दिया है, इनको अच्छा गोल्डन होने तक अभी भून लेना है। इसमें कुछ ताम झाम नहीं है ज़्यादा कुछ, बस सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी बनाओ और कोई भी खाओ, और टेस्टी है। बच्चों को जैसे बोलते हैं बच्चे सिर्फ मेथी नहीं खाएंगे, तो इसमें आप डाल दो, बच्चे अपने आप ही रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। चिकन चपाती बना दो मेथी की भाजी के साथ चिकन, बच्चे अपने आप ही खा लेते हैं। बच्चों को हम कितना बोलते हैं कि मेथी खा लो, बच्चे नहीं खाते हैं, तो उसके हिसाब से हम सोचा कि चलो ये बना लेते हैं, ऐसा खा लेते हैं बच्चे ऐसे में, चिकन हो भाजी हो, तो कैसे साथ में मिला के बच्चों को रोटी के साथ खिला दो। ये मिर्ची का ठेसा है जो मैंने अभी दरदरा पीस लिया था, कोतम्बीर मिर्ची लहसुन अदरक इन चारों का ठेसा जो अभी मैंने पीसा वो यही है। बस इनको अच्छे से भून लो, कच्ची बास जाने दो इनका। बस भूनने के बाद अच्छा हिलाते रहो, बस जले नहीं, क्योंकि वो तेल कमी है तो लग ना जाए। टमाटर है अभी, एक बड़ा टमाटर काट लिया था मैंने, बस टमाटर को डाल दो और उसको अच्छे से पकने दो, टमाटर को अच्छे से हिला दो इनको, भूनते रहो मसाला अच्छे तक। ये हल्दी आधा चम्मच डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर 1 ही चम्मच डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिर्ची डाल दिया है मैंने बड़े बड़े ग्रीन। ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर 1 और थोड़ा सा डाल दो 1 चम्मच और थोड़ा सा ज़्यादा। ये नमक है, नमक स्वाद अनुसार डालना। ये थोड़ा सा गरम मसाला है, बाद में गरम मसाला मैं थोड़ा और डाल दूँगी जब सब्ज़ी पूरी तरह से पक जाएगी, क्योंकि उसकी खुशबू अलग ही आती है। ये चिकन मसाला है, चिकन मसाला मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है, 1 और 1/2। बस इनको डाल के अच्छे से अभी भून लो अच्छे से, जब तक वो तेल ना छूट जाए। बस अच्छे से भून लो इसको मसाले को अच्छे, जब तक वो तरी ना छोड़ दे। गैस स्लो कर दो और ये ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ दो इनको। देखो कितना तरी जम गया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। ये बना के आप लोग ज़रूर खाना, क्योंकि जिनको बच्चे भाजी नहीं खाते उनके लिए ज़रूर बहुत अच्छा रहता है ये टेस्टी टेस्टी भाजी। चिकन डाल रही हूँ अभी मैं, देखो चिकन के लिए तो पूरा ये भर गया है मेरा।
छोटा लग रहा है लेकिन जब बन जाएगा तो पुर जाएगा, कुछ नहीं, सूखा ही बनाना है, ज़्यादा गीला नहीं बनाना है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लो, पूरा नीचे ऊपर कर लो मसाले में अच्छे से। गैस थोड़ा सा धीमी रखना, मीडियम, फास्ट भी नहीं और स्लो भी नहीं, मीडियम में रखना है इसको। और थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट के लिए ढक्कन ढक दो, बस ऐसा बना के खाना ज़रूर, और मुझे बताना है कि सिंपल सी और बहुत टेस्टी सी भाजी कैसी बनी चिकन मेथी। 2 मिनट हो गए हैं, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लो और मसाला थोड़ा नीचे ऊपर लग जाए, चिकन में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। अभी मैं इसमें मेथी डाल दूँगी, छोटा है लेकिन टोप, लेकिन वो बनने के बाद में परफेक्ट बन जाएगा ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि मेथी तो ऐसे पूरी इतनी सी हो जाएगी बनने के बाद, सूख जाएगी। तो बस हम मिक्स कर लो इनको भी, नीचे ऊपर कर लो। अच्छे से हिला लो उसको चम्मच से, नीचे ऊपर कर लो, अच्छे से मिक्स कर लो चिकन को, मेथी को नीचे दबा दो, अभी वो पक जाएगी फटाफट। धीमी आँच में बनाऊंगी मैं पूरी भाजी, क्योंकि धीमी आँच की आधा वो जो चटनी पीसा था उसका थोड़ा सा पानी है वो मैंने डाल दिया है बीच में, बस पानी को चारों तरफ मत डालना, चिकन का मसाला ये है, बीच में थोड़ा सा डाल दो ताकि लगे नहीं अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी मैं, बस अब इतने ही पानी में भाजी हमारी बन के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा पानी डालना नहीं है, बस इसको ढक्कन दे दो और पूरा धीमी आंच कर दो, और धीमी आंच में छोड़ दो उसको 10-5 मिनट। देखो 5 मिनट में मैंने निकाला इनको, कितना पक गई है पूरी भाजी अच्छे से। ये भाजी में ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस ऐसे कोई मसाले वसालों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने सादे सिंपल सी रेसिपी है, बनाना आप लोग और खा के मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी बनी। बहुत टेस्टी बनती है, जो बच्चे मेथी नहीं खाते हैं ना वो भी बच्चे खाते हैं ये, इतनी टेस्टी बनती है भाजी। रोटी के साथ बच्चों को खिला दो, बच्चे तो ऐसे ही खा लेंगे फटाफट, बड़े तो खाते ही है मेथी, लेकिन बच्चे थोड़ा ऐसा करते हैं कि नहीं मेथी नहीं खाना, तो बस ऐसे खास बच्चों के लिए ये बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरी लड़की को पसंद नहीं है ज़्यादा मेथी वेथी, तो ऐसे बनाते तो बहुत खाती है रोटी से, उसको बहुत टेस्टी लगती है भाजी, और मेरी बेटी मेरे साथ बहुत मेहनत करती है, उसी ने बोला है मम्मी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हो, तो ये गरम मसाला है थोड़ा सा मैं डाल दूँगी ऊपर से, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैं आपको बताऊँगी कि घर का मसाला कैसे बनाते हैं, गरम मसाले अखे कैसे उसको भून भान के पीसते, मैं आपको सब दिखाऊंगी ये भी। बस अच्छे से मिक्स कर लो, देखो लगभग बनी गई है अभी ये, बस अभी 1-2 मिनट में मैं चिकन अच्छे से पक गया है, देखो ऐसे टूट रहा है अभी ये, देखो पूरी अच्छे से पक गया है, लगभग पूरा बन गया है। मेथी चिकन की रेसिपी रेडी है, चलो सर्व करते हैं। इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया मैंने, इससे टेस्ट दुगना हो जाएगा, बस आप ट्राई ज़रूर करना।